सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, केम शो, कैमन आचो और नमो बुद्धाय। और आज मैं इस चैनल का होस्ट यानी कि शोविक आप सभी का स्वागत करता हूँ डी सिनेमा यूनिवर्स में, जहाँ पे मैं आज करने वाला हूँ श्याम बहादुर नाम का जो मूवी का टीजर है उसका रिएक्शन। ये मूवी स्टारिंग विकी कौशल है। एंड सॉरी गाइज, मेरे गले की वजह से थोड़ा, क्योंकि आई एम हैविंग सम कोल्ड एंड फीवर, आप देख के समझ रहे हैं कि मैं मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ कॉपरेट विथ मी। तो गाइज, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोग को एक भी नोटिफिकेशन ना मिस हो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो ये जो लुक है श्याम बहादुर, यानी कि मेजर फील्ड मार्शल जनरल मेजर बहादुर श्याम बहादुर उनके नाम पे ये बना हुआ मूवी है। जो एक्चुअल नाम है उसके टाइटल कुछ है, एम से है, मैं अभी भूल जा रहा हूँ, महाकेश और महलेक ऐसा कुछ टाइटल है, वो देख लेंगे शायद। लेकिन डेफिनेटली इट्स अ बायोपिक स्टोरी ऑफ अ वेरी लाइक ब्रिलियंट आर्मी ऑफ आवर लाइक नेशन, हु हैज सर्वड आवर नेशन विद प्राइड एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज लाइक द हार्ट बीट ऑफ आवर नेशन फॉर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन फ्रॉम एवरी वॉर एंड फ्रॉम एवरी अटैक ऑफ मेनली पाकिस्तान। सो दिस इज़ अ बायोपिक स्टोरी फ्रॉम मे बी 1970s वेन द इंडो पाकिस्तान वॉर एक्चुअली हैपन। तो इसके ऊपर जो मूवी आने वाला है उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल जो लुक आया था विकी कौशल का, उसको देख के मैंने बहुत लाइक तारीफ किया था, इम्पैक्टफुल लगा मुझे वो पोस्टर फर्स्ट लुक का। तो डेफिनेटली उसने अपना चेहरे पर कुछ प्रोस्थेटिक लगाया है, नाक चेंज किया है, आँख में लेंस लगा के उसको भी चेंज किया गया है, एंड ही ऑल्सो यूजिंग अ डिफरेंटली सेम लुकिंग मुस्टैचेज ऑफ श्याम सर। सो बिना किसी देरी किए चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। इन 3, 2, 1 हियर वी गो। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकती। ये बात मानना पड़ेगा यार, विकी कौशल जब किसी सोल्जर के रोल में जाता है, स्पेशली आप उड़ी देख लो, यहाँ पे देख लो, ही एक्चुअली गेट्स इनटू द रोल एंड ही एक्चुअली लाइक ओन्स इट। यहाँ पे जस्ट शुरू हो रहा है, लग रहा है कि ये विकी कौशल नहीं है, वो ही आदमी है जिसका वो रोल प्ले कर रहा है। अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। सेटिंग बहुत रियलिस्टिक किया है, जैसे कि ये ड्रेसेस है आर्मी का, वो जो कैमरा का जो एंगल्स है सिनेमाटोग्राफी का, और ऊपर से जो मतलब जो भी गाड़ी एम्बेसडर दिखाया जा रहा है, देख के लग रहा है कि ऑफिशियली ये मतलब जो टाइमलाइन है ये 1960s 1970s है, ये देख के लाइक मॉडर्न टाइम्स नहीं लग रहा है। ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। तुम्हारी जगह वही है साहब, अपने जवानों के साथ। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट। या ये नाम है मानिक शॉ, श्याम मानिक शॉ उनका नाम था, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया था स्टार्टिंग में। तो फील्ड मार्शल श्याम मानिक शॉ की बायोग्राफी है ये, और यहाँ पे हम लोगों को जो अगले सीन में दिख रहा है वो डेफिनेटली आपको पता है वो कौन है, इंदिरा गांधी जी। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्मी ही मेरी लाइफ है। जवाहरलाल नेहरू राइट, जो कि टोपी पहन के था व्हाइट कलर का, तो इंदिरा गांधी से होगा और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही फीचर करने वाले हैं। और उसी जमाने का बात है जहाँ पे लाइक कांग्रेस ने उसको पार्टी का एक पोस्ट भी उनको ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ठुकरा दिया ये बोल के, वो भी पीएम्स ऑफिस में पीओ में बैठ के, कि मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम जो है वो आर्मी का है, तो मैं आर्मी के लिए काम करूँगा। लेट्स हैट्स ऑफ मैन टू हिज आइडियोलॉजी। देयर विल बी नो मोर विथड्रॉल्स, टाइम इज हियर। सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। I beg your pardon, madam. सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। December 1st 2023 ये मूवी आ रहा है क्लैश में एनिमल के साथ। मैंने एनिमल का टीजर का भी रिएक्शन किया है, गाना का भी रिएक्शन किया है, मुझे लगता है वो मूवी भी बहुत ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि वो मतलब संदीप रेनी भागा का मूवी है जो कि ऑलरेडी एक हिट लेके आ रहा है हिंदी में कबीर सिंह,
और डेफिनेटली वो चलने वाला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूथ ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये मूवी फैमिली ऑडियंस ज़्यादा देखने वाली है, तो ये मूवी भी क्लैश नहीं हारने वाला है। ये मूवी भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एडिट्स है, डायलॉग्स, राइटिंग है, सिनेमाटोग्राफी दिखाया गया है, और ऊपर से जो लाइक कास्टिंग और एक्टिंग है विकी कौशल और बाकी जितने भी कास्ट है सबका, बहुत डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली ये मूवी मस्ट वॉच बन सकता है आप सबके लिए, मेरे लिए, तो देखते हैं कैसा बनता है और मूवी कब जब आएगा तब उसका रिव्यू भी करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये रिएक्शन जरूर बताइएगा मुझे, और तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, #DCinemaUniverse।